हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को मैनुअल डुप्लीकेट के बारे में जो है बताने वाला हूँ, और ये जो है स्टेटस आपको क्यों शो होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपका भी ये जो स्टेटस आ रहा है तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये वीडियो जो है एंड तक देख लीजिए, पूरा आप लोग का जो भी डाउट है उसको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का जो है इनरोलमेंट नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड न्यू बनवाते हैं, ठीक है, तो जब एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब इनरोल अपना आधार कार्ड चेक करते हैं कि उनका आधार कार्ड बना कि नहीं, जनरेट हुआ कि नहीं, तो ये स्टेटस आता है, वी हैव फाउंडिंग मैचिंग डुप्लीकेट फॉर योर इनरोलमेंट रिक्वेस्ट। इफ़ यू इनरोलमेंट इन द पास्ट इन फॉरगेट लास्ट योर आधार नंबर एवन इनरोलमेंट यू, ठीक है? तो इसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आधार और पासपोर्ट से रिलेटेड आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है गाइस, ठीक है? तो देखिए गाइस, ये जो स्टेटस है वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट आधार का, ये स्टेटस जब शो होता है, जैसे कि आपने पहले आधार कार्ड बनवा चुके हैं, 1 साल हो या 2 साल हो गया हो या 4 साल हो गया हो, आपने आधार कार्ड पहले बनवा लिया है और आपका जो है आधार कार्ड अगर वाई द वे नहीं आया होगा आपके पास, जैसे आपका आधार कार्ड तो बन गया होगा लेकिन आपका आधार कार्ड जो है मिला नहीं होगा, तो आपने सोच लिया होगा कि लगता है हमारा आधार कार्ड नहीं बना है, हम जाके बनवा लेते हैं, ठीक है? तो जब आप आधार कार्ड न्यू आधार कार्ड बनवाते हो तभी ये स्टेटस शो होता है, ठीक है? तो जब ये आपका स्टेटस शो होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका आधार कार्ड पहले से बन चुका है, ठीक है? इसको निकलवाना पड़ेगा, जैसे मैनुअल डुप्लीकेट मतलब आपका ये दूसरा जो आधार कार्ड है डुप्लीकेट हो गया। आपका एक ही आधार कार्ड जो है, हर व्यक्ति का जो है एक ही आधार कार्ड बन पाता है, दूसरा बनवाना अगर वो चाहेगा भी तो भी नहीं बनवा पाएगा, ठीक है? तो जिन भाई लोग मतलब दूसरा आधार कार्ड बनवाते हैं लोग, उनका ये स्टेटस शो होगा, वी हैव फाउंड मैचिंग डुप्लीकेट आधार। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आपको आधार कार्ड जो भी आप बनवा रहे हैं उनका, जिनका भी बनवा रहे हैं उनका आधार कार्ड नहीं बनवाना है। आपको इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, मेरे पास इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको अपना आधार कार्ड नंबर चाहिए या आपको अपना आधार कार्ड का पीडीएफ चाहिए, जो पहले आधार कार्ड बन चुका है, ठीक है, उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आपको क्या करना है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और जो भी आपके पास अगर पुराना पर्ची होता है, जैसे आधार सेंटर से जो पर्ची मिलता है इनरोलमेंट का, ठीक है, या न्यू वाला हो उसका भी, तो आप मुझे इनरोलमेंट स्लिप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है? मैं आप लोगों का जो है इसका आधार कार्ड का डिटेल या पीडीएफ जो है निकाल के दे दूंगा गाइस, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को कुछ पेमेंट जो है पेड करना होएगा, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है? तो देखो, इसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं यूट्यूब पे बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है मेल से आप करा लो या आप 1947 पे कॉल कर लो, ठीक है? तो देखो, अगर आप मेल भी करते हो तो अगर आपका जो पिन कोड होता है आधार कार्ड में, कौन सा पिन कोड ऐड है कौन सा पिन कोड ऐड नहीं है, अगर वो मालूम नहीं होता है तो भी नहीं निकलेगा आपका, ठीक है? तो अगर आपका आधारी नंबर नहीं मालूम होता है तो ये डिटेल नहीं निकाल पाते हैं लोग। तो यूट्यूब पे, हर यूट्यूब पे अलग अलग बताते हैं लोग कि ऐसे निकलेगा, मेल कर दो या 1947 पे कॉल कर दो। आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो 1 से 2 महीने लग जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको जो है मैं ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप लोगों को अगर डिटेल निकलवाना है, अगर आपका पुराना आधार कार्ड जो है निकलवाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी हो तो कॉल भी कर सकते हो मैसेज करके, ठीक है? तो आप लोगों को अगर आधार नंबर चाहिए तो आधार नंबर निकाल के दे देंगे, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए आधार कार्ड का, आपके अपने पूरा आधार कार्ड का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो भी मिल जाएगा, ठीक है, पुराना जो आधार कार्ड बन चुका है उसका। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है,
इस स्टेटस का मतलब यही होता है कि आपका पहले आधार कार्ड बन चुका है, आप दोबारा आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, 1947 में ना कॉल करना है ना मेल करना है UDI को। आप लोग को जो है, आप हमारे पास जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अपना जो भी पुराना जो आधार स्लिप होता है, इनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, जो आधार जब आपका बना होगा, पुराना होगा, या आपने जो न्यू आधार कार्ड का स्लिप बनवाया है उसमें ये स्टेटस शो हो रहा है जिन लोगों का, वो भी आप स्लिप मुझे भेज सकते हैं गाइस, ठीक है। और आप लोग का 24 घंटों से 48 घंटों के अंदर में जो है आपका आधार नंबर, या अगर आपको PDF चाहिए आधार का, तो PDF डिटेल मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो हमारे यहाँ इसका 100% सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को निकलवाना है तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप पे, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर निकलवा के आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही आधार से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को जो है कोई भी और जानकारी चाहिए आधार से रिलेटेड, या आपको किसी और चीज़ जैसे कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और स्टेटस शो हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं उस पर फुल डिटेल से वीडियो लेके आ जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए बनाते हैं इतना मेहनत से वीडियो, और आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो उतने ही से हम लोगों को जो है एक मोटिवेट मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।